नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कमर में दर्द होती है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाली है। जानते हैं दोस्तों ये वीडियो क्यों अच्छा होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको इलाज भी बता दिए हैं, साथ में घरेलू उपाय भी बता दिए हैं। दोस्तों पहले के ज़माना में था कि पहले लोग जान रहे थे कि बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था, यानी बुजुर्ग होने पर कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन इस समय जो है ना नौजवान को भी कमर में दर्द हो रही है। इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, ये हम आपको पूरा क्लियर बताएंगे। लेकिन आप ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए, हम आपको मदद जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट और इंस्टा पर पूछिए, हम आपको मदद जरूर करेंगे। नहीं के बात नहीं, अगर देखेंगे तो जरूर करेंगे। तो आइए अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आखिर कमर में दर्द होने का सबसे बड़ी कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, कमर में दर्द होने के आपको बोले हैं बहुत सारे कारण होते हैं। नंबर वन आपको कारण बता रहे हैं कि अगर लाइफ स्टाइल में आपको कमी है, इसके वजह से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत पतला बिछाना पर सोते हैं, यानी बिछावन जो है ना उस पर बहुत पतला है और उस पर सोते हैं, जिसके जैसे आपको कमर में दर्द हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए पतला बिछाना रहेगा ना तो आपको जो कमर है उसमें बहुत ज़्यादा हड्डी जो होता है ना बहुत ज़्यादा रगड़ाने लगती है। रगड़ाने की वजह से उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन भी आ सकता है, या नर्वस सिम्टम जो होता है वहाँ का, वहाँ पर भी दबाव आने लगती है, जिसके वजह से आपको दोस्तों दर्द होने लगती है, या आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है दब जाने की वजह से, जिसकी वजह से कमर में आपको दर्द हो सकता है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर वजन आपको बढ़ जा रहा है, इसके वजह से भी आपको कमर दर्द हो सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा जब वजन बढ़ेगा, जिससे यह शरीर है इसका वजन बढ़ेगा, तो सब दबाव तो कमर से पड़ेगा, इसके बाद पैर पे पड़ेगा, तो होता क्या है कि वहाँ के जो मांसपेशी है उसके दबाव होने लगती है, और मांसपेशी के साथ नर्वस सिस्टम का भी दबाव होने लगती है, जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगेगी। अगर आप एक ही जगह पर बैठे रह जाते हैं, इसके वजह से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। देखिए एक ही जगह पर बैठना यानी कि आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब लगातार 2-3 घंटा तक बैठे रह गए हैं यानी उठकर नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे होता क्या है कि ब्लड सप्लाई में दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा और सारे दर्द आपको हो सकते हैं, जैसे पूरा शरीर में हो गया, पैर हाथ में हो गया, ये सब दर्द हो सकता है। लेकिन बैठने का भी स्टाइल होता है, मान लीजिए कि आप बैठ रहे हैं, जैसे पैर है ना, इस पैर को इस तरह करके बैठिए या फिर इस तरह करके घुमा कर बैठिए, पैर पर पैर चढ़ा कर इस तरह बैठे हैं तो इस तरह मत बैठिए, फिर इसको इस तरह पलट दीजिए और फिर इस तरह पलट दीजिए। ठीक है, यानी 10 मिनट इस तरह रखिए, 10 मिनट इस तरह करके आप बैठिए, इससे क्या होगा कि आपको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पहुँचेगा कमर पर। ठीक है, और दोस्तों शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकती है। दोस्तों कैल्शियम तो ऑटोमेटिक है कि जब बुढ़ापा व्यक्ति को हो रहा था कैल्शियम कमी तो दर्द हो रहा था, और नौजवान में भी हो रहा है, क्योंकि देखिए इस समय जो खान पान है ना बहुत गलत हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, जब कैल्शियम कमी होगा, विटामिन B12 विटामिन B6 की कमी होगा तो होना ही है, क्योंकि देखिए कैल्शियम जो है हड्डी में ज़्यादा मिलता है, तो कमर जो है इसमें हड्डी इसमें ज़्यादा मिलेगा। और विटामिन B12 विटामिन B6 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये जो है ना नर्वस सिस्टम है, जो हम लोग का नस होता है उसके भी अगर दबाव ज़्यादा पड़ता है इसकी वजह से हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है इसको हो जाता है। तो विटामिन B12 विटामिन B6 यह जो है आपको नर्वस सिस्टम को मजबूत रखेगा, ताकत भी लाएगा, कमर को भी ताकत लाएगा। ठीक है, इसलिए विटामिन B12 विटामिन B6 और कैल्शियम की कमी से भी आपको कमर में दर्द हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं करने से भी आपको होता है, अगर आप कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है, पूरा दम खाली बैठने वाला काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए आप लोग एक्सरसाइज जरूर करते रहे, इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन चलते रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, आप लोग एक्सरसाइज करिए। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि झटके में कभी उठकर बैठिए नहीं। ठीक है, यानी कभी कभी होता है कि झटके में उठ जाते हैं, झटके में बैठ जाते हैं, ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, दम आराम से बैठिए, इसे क्या होगा कि देखिए झटके में उठ के बैठने से ना तो बहुत ज़्यादा खिंचाव आने लगती है मांसपेशी में, जिसको मांसपेशियाँ कमजोर होती हैं और कमर में दर्द हो जाती है, तो इसलिए झटके में आप लोग उठिए नहीं, झटके में बैठिए नहीं। ठीक है, आराम आराम से बैठिए, कोई घबराना थोड़ी है, रियल केस में कभी हो गया कभी हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका इलाज जो हम आपको बता दे रहे हैं, नॉर्मल सा इलाज बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बोलें कि उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए खूब बने एक एंटीबायोटिक ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए सूजन के ज़्यादा हो गया होगा तो हो सकता है उससे दर्द आता होगा, तो जिसका नाम है LC Pro 250 mg का, बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इसको सुबह शाम मात्र 5 दिन तक जरूर खाइएगा। ठीक है, इससे इन्फेक्शन भी खत्म हो सकता है, अगर इन्फेक्शन की वजह से आपको हुआ होगा तब। ठीक है, और अगर दर्द और सूजन हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए 0 Dol SP बहुत अच्छा मेडिसिन है, जो कि आपको बार बार हम बताते हैं, जो कि हर एक मेडिकल काउंटर पर मिलेगा, ये भी सुबह शाम खाना है और मात्र 5 दिन तक। अगर बुखार आ गया दर्द की वजह से, इसके वजह से भी आपको ठीक हो सकता है। ठीक है, इस मेडिसिन से भी ठीक होता है। ये जो आपको जो मेडिसिन जो हम बताए हैं, इसको मात्र 5 दिन तक जरूर खाइएगा। ये दोनों मेडिसिन आपको गैस बनेगा, इसलिए आप लोग एक गैस के मेडिसिन ले लीजिएगा, जिसका नाम है AC Lock RD। ठीक है, बहुत अच्छा है, डोमपेडियम के साथ है, ओमेप्राजोल के साथ है, इसको भी सुबह शाम आप खा लीजिएगा मात्र 5 दिन तक। और कैल्शियम की कमी से होती है बोले हम आपको, कैल्शियम की दवाई ले लीजिए, जिसका नाम है 500 mg आता है। ठीक है, तो आप इसका मेडिसिन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी रोज़ एक गोली आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं सुबह, या कम से कम
कम एक महीना तक लीजिए, ठीक है। और हम बोले हैं दोस्तों कि विटामिन B12 विटामिन B6 की कमी से होता है, तो आप ले लीजिएगा न्यूरोकाइंड प्लस एमजी, जो कि मल्टीविटामिन से विटामिन से बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन B12 भी है, विटामिन B6 भी है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी रोज एक गोली रात में ले लीजिएगा, कम से कम ये भी एक महीना तक, ठीक है। यानी कैल्शियम का और प्लस न्यूरोकाइंड, ये दोनों है जो आपको एक महीना तक ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा और कैल्शियम की भी कमी भी होगा, उससे आपको दूर हो सकता है। आप लोग इतना जरूर कर लीजिएगा। और घरेलू उपाय में क्या करना है, सरसों का तेल ले लीजिएगा और लहसुन ले लीजिएगा, यानी 5 थोड़ा लहसुन ले लीजिएगा, सरसों के तेल में पूरा डाल दीजिएगा, उसको खौला दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पर मालिश बहुत ज़्यादा करेगी, जहाँ पर दर्द हो रहा है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर दर्द हो रहा है पूरा इस तरह आपको मालिश करेगा। इससे क्या होगा कि दर्द ठीक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा से चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि नहाने से पहले आप लगा लीजिएगा, यानी कि लगाकर तुरंत नहा मत लीजिएगा, ठीक है, लगाकर कम से कम 1 घंटा बाद आप स्नान करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि तेल नहीं, अब तब बॉडी जो है अब्जॉर्ब कर लेगा तेल को, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको मालिश करने वाला कोई आदमी नहीं बिठा रहा है तो आप चाहिएगा तो तौली को गर्म पानी में भिजा कर और सेंक कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिल सकती है। तो अपने से भी कर सकते हैं, इस तरह भिजाइएगा और इस तरह कर दीजिएगा, कमर पर तक लगा दीजिएगा, ठीक है, इससे आपको ठीक हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन आपको और सेलेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसके लिए जय हिंद जय भारत।